नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल जॉबलेट गुरु में। और आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं PTT फोर्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, और जिन स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है उनका क्या कारण रहा है कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, और अभी राजस्थान में कुल BEd कॉलेजों में कितनी सीट खाली है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम आपके लिए हर दिन करंट GK का वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन वाला बटन नहीं दबाया तो दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर मॉर्निंग में आपको एक करंट GK का वीडियो मिलेगा जिसमें आपके कम से कम 10% होंगे, 5% भी अगर दिन में सीखते हैं करंट GK के, क्योंकि अभी राजस्थान में LDC के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन एग्ज़ामों में करंट GK के पर्सन भी पूछे जाएंगे। आप हमारा करंट GK का वीडियो है, करंट अफेयर का, वो देख सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट किस कारण से नहीं हुई। दोस्तों, आप YouTube पर वीडियो फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको जिसमें ये बोला गया है कि BEd है वो बंद होने वाली है, 2 साल की BEd है वो बंद होने वाली है, और 4 साल की होने वाली है, या फिर BEd है वो पूरी ही बंद होने वाली है कि BEd है वो 4 साल की होगी। दोस्तों, 4 साल का जो कोर्स है BSc BEd और BA BEd वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, और BEd है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। जो BA BSc BEd है वो 4 साल का है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल बचाने के लिए स्टूडेंटों को अच्छा है, 1 साल बचता है उनका, तो वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, और BEd है वो एक है प्रोफेशनल डिग्री। अगर BEd 4 साल की होती है, मान लीजिए अगर BSc BEd की तरह हो जाती है, अगर BSc BEd में ऐड कर दे तो क्या उन्हें BA दोबारा करनी होगी या फिर BSc दोबारा करनी होगी? इसलिए जिन स्टूडेंटों ने BA BSc कर रखी है वो दोबारा BA BSc क्यों करेंगे, और BEd है वो 2 साल की ही रहेगी दोस्तों, और आगे भी 2 साल की ही रहेगी, और BEd बंद नहीं होगी, या फिर कहीं से सुन लिया होगा या किसी ने कह दिया होगा, इसी कारण से स्टूडेंटों ने सोशल मीडिया की साइट से सुन लिया होगा। तो स्टूडेंटों ने, जो जितने भी स्टूडेंट बचे हुए थे, उन सभी ने BEd के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए, इसी कारण से जो कॉलेज थी वो सभी फुल हो गई है। हालांकि कुछ BEd कॉलेज हैं जिनमें सीट खाली रहेगी, वो तो उनमें रहेगी, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है तो सबसे बड़ा कारण यही है, कुछ स्टूडेंटों ने सोशल मीडिया से सुन लिया कि BEd है वो आगे बंद होने वाली है या फिर 4 साल की होने वाली है, तो सभी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे जिन्होंने BEd नहीं की, उन सभी ने BEd के लिए अप्लाई कर दिया, इसी कारण से वो सीटें कम हो गई। दोस्तों, BEd ना तो बंद होगी और ना ही 4 साल की होगी, BEd अगले साल भी 2 साल की होगी, हालांकि 1 साल की नहीं होगी लेकिन 2 साल की ही रहेगी, और अगले साल है वो BEd ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि BEd बंद हो जाएगी, BEd ज़रूर होगी, और अगले साल भी 2 साल की होगी, तो अगले साल भी आप एडमिशन ले पाएंगे। BEd 2019 में एडमिशन जब स्टार्ट होंगे, प्री टेस्ट देना है, उसके बाद में इसी तरह से काउंसलिंग होगी, तो आपको अच्छी तैयारी कीजिए अगर आप BEd करना चाहते हैं। मेन कारण यही रहा कि जितने भी स्टूडेंट थे ग्रेजुएशन किए हुए, उन्होंने लगभग ने BEd के लिए अप्लाई कर दिया कि अगले साल है वो BEd बंद होने वाली, इसी कारण से तो BEd की सीटें हैं वो कम हो गई, इस कारण से कुछ स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो आप अगले साल है वो प्री टेस्ट देना है, उसके बाद में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस साल का जो सेशन था BEd 2018 का एडमिशन का, वो भी समाप्त हो गया। हाँ दोस्तों, BEd कॉलेज में सीट खाली ज़रूर है, लगभग राजस्थान में 1100 सीट है वो खाली रह जाती है। उनका मेन कारण ये होता है कि कुछ स्टूडेंटों को कॉलेज दूर अलॉटमेंट हो जाती है, इस कारण से वो वहाँ कॉलेज में जा नहीं पाते हैं और वो एडमिशन अपना कैंसिल करवा लेते हैं या फिर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, इस कारण से कॉलेज में सीटें हैं वो खाली रह जाती है। तो ना तो वेटिंग लिस्ट होगी अब, ना ही फोर्थ काउंसलिंग होगी। और दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं आप ही के, उनके जवाब दे देते हैं। मेन जो क्वेश्चन है जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ
वो यही है, मेरे 330 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, जितने भी है 100 200, तो थर्ड लिस्ट में राजस्थान बट कॉलेज नहीं मिला। सबसे बड़ा कारण यही है कि या तो आपने कॉलेज है वो 100 या 200 से ज़्यादा सेलेक्ट करनी चाहिए थी। अगर आपने और राजस्थान में कहीं पर भी एडमिशन होता था, अगर आप लेना चाहते थे राजस्थान में कहीं पर भी एडमिशन, तो आपको जितनी ज़्यादा कॉलेज भरनी होती थी वो ज़्यादा कॉलेज भरनी थी। अगर आपने कॉलेज है वो अगर 20-30 ही या फिर अपने ज़िले की भरी थी, तो इस बार है वो स्टूडेंट ज़्यादा थे, इस कारण से बीएड कॉलेज की जो सीटें हैं वो पहले ही फुल हो गई। वरना आप पिछली साल का देख सकते हैं, 2017 में 4 काउंसलिंग हुई थी और सभी को बीएड कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी, लेकिन फिर भी बीएड की सीट खाली रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ स्टूडेंटों ने इस बार है वो सोशल मीडिया से पढ़ लिया कि बीएड आगे बंद होने वाली है, इस कारण से सब लगभग स्टूडेंटों ने बीए की हुई या ग्रेजुएशन की है उन्होंने बीएड के लिए अप्लाई कर दिया। और अगला कमेंट है, सर लड़कों को लॉस होगा। जी, लॉस तो होगा, 1 साल का अगर वो बीएड करना चाहते थे तो 1 साल का लॉस तो होना ही है। अगर वो दूसरा कोर्स करेंगे तो नहीं होगा, वैसे लॉस नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो दूसरा कोर्स कर लेते हैं। और स्टूडेंट को वैसे भी प्रेशर ज़्यादा रहता है घर वालों से कि आपने पढ़ाई नहीं की और आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई, वो है सब होता ही है, प्रेशर होता है, और स्टूडेंट खुद भी परेशान होता है कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई। तो दोस्तों टेंशन ना लें, आप और कोई कोर्स कर लें साथ में। अगर आप बीएड ही करना चाहते हैं तो कोई कोर्स कर लें, प्राइवेट कोर्स कर लें, नॉन कॉलेज कर लें, जिन कॉलेज से मान्यता प्राप्त है उन्हीं से करें, या फिर जिस यूनिवर्सिटी को मान्यता है उसी से करें। वैसे आपको बीएड करवाने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। आप पहले यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है, अप्रूव्ड है या नहीं है वो देख लें। अगर अप्रूव्ड है बीएड के लिए तब तो अप्लाई कर दें, अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो ना करें। वैसे अगर आप बीएड करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर मान्यता चेक करना चाहते हैं तो आपके 10 रुपये लगते हैं। अगर आप बीपीएल या SC ST में है तो आपके 0 पैसे लगेंगे। आप एक RTA लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की मान्यता है या नहीं है, तो UGC आपको ज़रूर जवाब देता है कि इस यूनिवर्सिटी का क्या क्या कोर्स की मान्यता है। तो उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किन यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स की मान्यता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस या फिर प्राइवेट या फिर किसी प्रकार से भी बीएड की मान्यता है तो वो आप RTA लगाकर पता कर सकते हैं। वैसे राजस्थान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको विदाउट काउंसलिंग के बीएड करवा सकती है। और दोस्तों तृतीय स्पेशल काउंसलिंग में अपार्टेड मूवमेंट नहीं होगा। जिनको जो कॉलेज मिली है अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनकी कॉलेज है वो वही रहेगी। और अगला सवाल है, सर अब मैं MSc करने के बाद बीएड कर सकती हूँ क्या? आपकी इच्छा है, आप चाहे जो भी कोर्स करें कर सकते हैं, लेकिन बीएड के साथ में 2 रेगुलर डिग्री नहीं हो सकती है। आप इतना ध्यान रखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं या आपका बीएड में एडमिशन हो गया तो आप दूसरा जो कोर्स करेंगे, चाहे BSc करो, BA करो, MSc करो, वो आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। आपको नॉन कॉलेज या फिर डिस्टेंस से करना होगा। और दोस्तों जिस स्टूडेंट के जनरल हैं, जो स्टूडेंट जनरल हैं उनके 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, वो BA या फिर BSc एडिशनल कर लें और अच्छे नंबर प्राप्त कर लें ताकि अगली काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। और अगर OBC में है तो उनके 45% नंबर होना अनिवार्य है, तो उनके भी नहीं है BA या BSc में, तो वो एडिशनल डिग्री कर लें, एडिशनल BA या BSc कर लें। और दोस्तों अगला सवाल है, फोर्थ काउंसलिंग होगी क्या? दोस्तों और 95% चांस यही है कि बीएड कॉलेज की फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगी। थर्ड काउंसलिंग तो कोर्ट के कहने से हो गई थी, कोर्ट में किसी भाई ने रिट लगा दी थी इस कारण से, और सीट भी ज़्यादा खाली थी, तो कॉलेज वालों को लॉस है वो सबसे ज़्यादा हो रहा था, स्टूडेंट को भी हो रहा था, इस कारण से थर्ड काउंसलिंग है वो स्पेशल काउंसलिंग करवाई गई, तो फोर्थ काउंसलिंग है वो नहीं होगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी फ़ीस है वो कैसे रिफंड होगी और कितनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके 4,400 रुपये बाई चेक से आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। और अगर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई, कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ या फिर अलॉटमेंट नहीं हुई, तो आपके
4,800 रुपये बाय चेक से रिफंड हो जाएंगे। अगर आपने कॉलेज अलॉटमेंट हो गई और आपने चालान है 22,000 रुपये का वो भी जमा करवा दिए थे बैंक में और आपने एडमिशन नहीं लिया तो रिफंड हो जाएंगे। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपके पैसे रिफंड होने के चांस है वो 95% नहीं रहते हैं। इसलिए अगर आप बीएड नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी 22,000 रुपये काउंसलिंग फीस है वो जमा मत करवाइए। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो भी आपके 5,000 रुपये में से 400 रुपये काट कर है बाई चेक रिफंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके 5,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे अगर आप 22,000 रुपये जमा नहीं करवाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर 22,000 रुपये जमा नहीं करवाते हैं तो भी आपकी फीस है वो रिफंड हो जाती है। और अगला सवाल है शिवा शर्मा का है। हाँ सर, आपकी कृपा से मिल गई, मैंने इनको लिखा था कि कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी क्या, तो हाँ सर आपकी कृपा से मिल गई धौलपुर, मैंने वो किया जो आपने बताया सर, आपकी वीडियो देखकर ही कॉलेज भरे सर, मैंने थैंक्स सर, मेरी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरे वीडियो से किसी भी स्टूडेंट को अगर फ़ायदा होता है तो अब जैसे शिवा शर्मा को हुआ, हो सकता है उनको मेरे से ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे खुशी उससे ज़्यादा हुई कि मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कॉलेज भरे थे और आपकी वीडियो देखकर भरे थे। तो समझिए मेरे वीडियो बनाने का जो मतलब होता है वो यही होता है दोस्तों कि आप सभी को मैं हर कोशिश कर आपको बताऊं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कि आपको है वो किस तरह से कोई भी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो मुझे सब पता होता है, नॉलेज है फॉर्म भरने का, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तुक्का मार के बता रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी की मदद करने के लिए, इसलिए दोस्तों आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, इसके लिए मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने का आपका कोई चार्ज नहीं है, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलेगा और मैं पैसे कमाने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट की मदद करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। वो सेटिस्फाइड हो जाए, स्टूडेंट को अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, मेरे वीडियो से अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आपके मन में अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।